हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज दशहरा है तो काफ़ी टाइम से बच्चे बोल रहे थे मेला चलो मेला चलो, और जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था कुछ रीज़न से, थोड़ा हेल्थ इश्यू था घर में। तो आज हम गए बच्चों को लेके, हमने कहा दशहरा भी है थोड़ा घूम के आते हैं। तो हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं। हम रावण देखने तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है और बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो हमने सोचा मेले में चलते हैं। तो देखते हैं कैसा है, निकलते हैं। और रेडी हो चुके हैं हम लोग, बच्चे शूज वूज पहन रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि वो कब से बोल रहे थे कि मम्मा पापा हमको मेला देखने ले चलो, बट हम नहीं ले जा पा रहे थे। तो आज हमने कहा चलो ले चलते हैं। अभी वैसे मेला चलेगा तो लेट्स गो, हम चलते हैं मेले के लिए। निकल चुके हैं घर से बाहर। हाय फ्रेंड्स, हम जा रहे मेला। हम जा रहे फ्रेंड्स मेला। आप दशहरा गए, हम मेला गए, वहाँ वहाँ मजे करेंगे। आप दशहरा देखो, बस ये रावण देखो गया, बस क्या हम तो मेला देखेंगे। हम फ्रेंड्स दशहरा, हमारा प्लान था पहले मेला जाते हैं, तो मेले के सामने जस्ट इधर इधर ही कहीं दशहरा चल रहा है, मतलब रावण चल रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप मेरे बेटे की बातें सुन रहे होगे कि रास्ते में ना हम गए थे एक्चुअली मेले के लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे रावण दहन भी हो रहा था, तो हमने सोचा चलो चलते हैं देखते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब दम घुटने लग गया। तो मैंने कहा बच्चों से चलो बाहर चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, ऐसे में बहुत डर रहता है। तो हम वहाँ से निकल आए। तो हम रावण दहन देखने के बाद हम लोग ने सोचा चलो मेले के अंदर जाते हैं, वहाँ पे भीड़ नहीं होगी। तो हम वहाँ गए तो वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम थोड़ा सा अंदर घुसे ही थे भीड़ में कि मतलब सांस भी नहीं ली जा रही थी। तो मैंने बोला बच्चों से चलो वापस चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, ऐसे में ना इन्जॉय कर पाओगे ना देख पाओगे। तो हम लोग वापस आ गए, आधे रास्ते से हम गए भी नहीं पूरा, हम वापस लौट के आ गए, बच्चों का मुँह उतर गया। मैंने कहा लेकिन इतनी भीड़ में पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि देखो सड़क में भी इतना मतलब भीड़ है और मेले में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हमने कहा चलो चलते हैं मार्केट घूम के आते हैं, थोड़ा मार्केट ले जाएंगे बच्चों को कुछ खिला पिला के, फिर हम घर आ जाएंगे। तो हमने यही सोचा है, तो चलिए चलते हैं मार्केट। हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बच्चों का थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब हो गया, बट हमने समझा दिया, वो भी समझ गए क्योंकि उनको भी पता था कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, ऐसे में जाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए, तो चलते हैं मार्केट और घूमते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या रौनक है। हम लोग आ चुके हैं भूल भुलैया में, कहाँ गए थे मेला देखने, लेकिन हम आगे नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बस कैसा लगा मेले में? अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, दम निकल रहा था वहाँ पे घुटन हुई। हम लोग आगे ये मना कह रहे हैं वहाँ पर, तो मैं कोई बैठा है ऊपर, देखो थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं फिर चलते हैं। मेला कभी बाद में जाएंगे जब भीड़ थोड़ी कम होगी। तो फ्रेंड्स, हम मार्केट आए थे तो बच्चों ने कहा भूल भुलैया चलते हैं, तो वहाँ पे गए हम, भूल भुलैया में बैठे थे। हालांकि भूल भुलैया मतलब अच्छी जगह है, खुली जगह है, बट लोगों ने ना गंदगी बहुत ज़्यादा कर दी है। यहाँ पे लोग खाते पीते और डस्टबिन में कूड़ा नहीं डालते। तो हम वहाँ पे थोड़ी देर बैठे और देखो अभी यहाँ से ना मेला देख के आ रहे होंगे लोग, कितनी भीड़ कितनी भीड़ गुजर रही है। हमने थोड़ी देर बाद यहाँ से जाएंगे। अब घूम फिर के घर वापस आ चुके हैं और घर आते ही पहले मैंने अपना मुंह फ्रेश मतलब मुंह धोया, क्लीन अप कर लिया है। और बच्चों ने तो थोड़ा बहुत खाया, और मतलब खाया भी नहीं, उन्होंने खाना खाने के लिए मना कर दिया है बाहर ही थोड़ा बहुत। मतलब मेरी बेटी ने तो कुछ नहीं खाया था, उसने अपने लिए पेस्ट्री ली, मम्मा मेरे लिए पेस्ट्री लो, और आया उन्होंने घर खाए, घर में पेस्ट्री खाई, और वो बेटे ने भी खाया था थोड़ा बहुत। तो वो दोनों ने बोला कि ठीक है कि हमको खाना नहीं खाना है। तो मैंने भी बोला कि मुझे नहीं खाना है। तो हस्बैंड बाहर से कुछ नहीं खाया उन्होंने। तो बच्चे तो सो चुके हैं। हम लोग यहाँ से गए थे कि हम मेला देखने ही जाएंगे, पर्पस से तो वही गए थे कि मेले में बच्चों को घुमा के लाते, लेकिन इतनी भीड़ थी मेले में तो हम लोग वापस लौट के आ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़। मतलब वहीं पे रावण दहन भी हो रहा था, तो हमने सोचा कि इस मंदिर से ना सामने ही मंदिर है, याद भी नहीं आ रहा उस मंदिर का नाम, मैं पहली बार गई थी उसके अंदर, आते जाते तो बहुत बार है लेकिन मंदिर के अंदर नहीं गई। तो हम चले गए, मंदिर काफ़ी बड़ा है लेकिन उसी से अंदर को ग्राउंड में वहाँ पे रावण दहन भी हो रहा था। तो हम लोग गए तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। तो हमने कहा वापस चलते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, हमने कहा चलो मेला चलते हैं, जस्ट बगल में ही ग्राउंड में लगा था, वहाँ गए। हमने सोचा वहाँ पे भीड़ कम होगी, तो दशहरे की वजह से शायद उस दिन भी मेले में इतनी भीड़ थी। हम जैसे ही एंटर करा ना, हमने मतलब आप ऐसा मानोगे ना, पलटने की भी जगह नहीं थी। तो हम ऐसे ही मतलब थोड़ा ही गए थे, मैंने बच्चों से बोला चलो वापस चलते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, कभी मतलब मेला रहेगा तो बाद में आ जाएंगे।
ऐसी भीड़ में जाना बहुत बेकार है, क्योंकि सफोकेशन टाइप का हो रहा था, घुटन हो रही थी। मैंने कहा चलते हैं, फिर हम वापस आ गए। तो बच्चे थोड़े से होते हैं ना, बच्चे थोड़ा सा मायूस से हो गए थे। मैंने कहा चलो उनको समझाया, लेकिन वो समझ गए थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। फिर हम मार्केट चले गए, फिर थोड़ी देर भूल भुलैया में बैठे हम लोग, और वहाँ पे फिर हमने देखा कि वहाँ पे भी रावण दहन देख के आ रहे होंगे ऊपर मार्केट की साइड को से, तो बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही थी। तो हमने थोड़ी देर बच्चे वहीं पे खेला बच्चों ने, तो वहीं पे हमने थोड़ी देर रुके, हम बच्चों ने थोड़ी देर खेला, फिर जब भीड़ गई तब हम वहाँ से आए। तो बच्चों ने अपने लिए पेस्ट्री वेस्ट्री ली, थोड़ा बहुत बच्चों ने खा लिया था। बेटी तो नहीं खाती मेरी, बेटे ने थोड़ा खाया, मैंने भी थोड़ा खाया, मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं खाया। तो घर आके बच्चों ने बोला हमको कुछ नहीं खाना है। मैंने कहा ठीक है, अगर ऑप्शन है तो अगर आपको खाना खाना है तो वेट करो, तब तक आप स्टडी करो, अदरवाइज़ आप जाओ अंदर बिस्तर लगा के सो जाओ। तो वो लोग तो उन्होंने पेस्ट्री वेस्ट्री खाई और सो गए। तो मैंने हस्बैंड के लिए और अपने लिए भी नहीं बनाई, उन्हीं के लिए बनाया था मैंने डिनर बनाया। तो बच्चों को सुला दिया था क्योंकि वो दिन में सोए नहीं थे और नेक्स्ट डे स्कूल था। और हम फिर हस्बैंड को खाना ना खिला के सारे काम निपटा के मुझे 10:30 बज गया था, हम दोनों को सोते सोते, और बच्चे तब तक सो चुके थे। तो ऐसी रही हमारी मेले जाने की कहानी। तो हम मेले से ना उल्टे पाँव भाग के आ गए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यही पेंड करता है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।